गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रीटा और मैं आज आपके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले जो आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये दाल है। अगर आप देख रहे हैं तो ये दाल चने की है। काफ़ी समय से वो डब्बे में बंद थी और इग्नोरेंस की वजह से वो खराब हो चुकी है। उसके अंदर कीड़ा लग गया जिसकी वजह से उस दाल को उसने खा लिया। तो अब मैं इस दाल को खाने में पका नहीं सकती। तो अब इस दाल को मेनली हम कैसे यूज़ करेंगे, आज हम अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो में वही देखेंगे। तो हम जो इससे बनाने वाले हैं वो है फ्लावर वास, जिसमें हम फ्लावर्स भी बनाएंगे और साथ में वास भी बनाएंगे। वास के लिए हम ये दाल यूज़ करेंगे और अपने फ्लावर्स को बनाने के लिए हम राइस यूज़ करेंगे। तो आगे का इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बॉटल, आप चाहें जैसे भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये इस टाइप की एक खाली बॉटल ली है। साथ में हमें चाहिए राइस जो हमारे फ्लावर्स बनाने में मदद करेंगे। ये आप देख रहे हैं तो ये हमारी झाड़ू की तिल्ली है, जो झाड़ू वेस्ट हो जाती है और उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे बच जाते हैं, तो आप वो वाली तिल्लियां ले सकते हैं। वाटर कलर, ब्रश, फेविकॉल और पत्तियां बनाने के लिए इस तरीके का ग्रीन पेपर, आप चाहें तो वाइट पेपर लेकर उस पर कलर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस बॉटल के ऊपर ब्लैक कलर लगाएंगे। हम इसका बेस जो है वो बिल्कुल ब्लैक कर देंगे ताकि जब हमारी दाल उसके ऊपर आएगी तो वो बहुत ही सुंदर कलर में दिखेगी। हम इस पूरी बॉटल को इस कलर की सहायता से ब्लैक कर देंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी बॉटल आगे से पीछे तक पूरी अच्छे तरीके से ब्लैक कलर की हो गई है। अब हम इसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए यहाँ रख देंगे ताकि ये सूख जाए। और अब हम अपने फ्लावर्स पे बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा आपको ये दिख रहा है, हम इससे जो फ्लावर्स बनाने वाले हैं उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी नीचे वाली स्टिक को ग्रीन कलर से कलर कर देना है। हम इसकी आधी स्टिक को ग्रीन कलर से पूरा कलर कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप वूल लपेट सकते हैं अगर आपके पास है, या आप डायरेक्टली ग्रीन कलर की जो कलरफुल टेप आती है आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने डायरेक्ट इस पर कलर किया है। अब बचे हुए बाकी के हिस्से पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फेविकॉल अप्लाई करना है। इस पूरी स्टिक के ऊपर हमें फेविकॉल लगा देना है। हम पूरी स्टिक पर आगे पीछे प्रॉपरली फेविकॉल को लगाएंगे ताकि जब हम इसके ऊपर चावल लगाएं तो वो प्रॉपरली चिपक जाए। ये जो फ्लावर बनेगा वो देखने में बहुत ही सुंदर और एक न्यू तरीके का बहुत जल्दी बनने वाला फ्लावर है। ध्यान रखें इसके जितने किनारे हैं उस पर भी फेविकॉल बहुत अच्छे से लग जाए। जैसे आपने देखा ये पूरी स्टिक पर आधी पर फेविकॉल लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चावल को लेंगे और इस लगे हुए फेविकॉल के ऊपर डालना शुरू करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर पूरा धीरे धीरे चारों तरफ अच्छे से पूरे चावल को डाल दिया है। अगर अब हम देखें तो हमारी ये इस तरीके से पूरा चारों तरफ से चावल से ढक गई है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और बॉटल को वास को अब रेडी करेंगे। अब हम इस पूरी बॉटल के ऊपर धीरे धीरे
फेविकोल डालेंगे। धीरे धीरे पूरी बॉटल के ऊपर ऐसे फेविकोल को स्प्रेड करें और फिर जहाँ जहाँ फेविकोल लगाया है उसके ऊपर इस दाल को पेस्ट कर दें। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, मैंने इस पूरी बॉटल को आगे से लेकर पीछे तक पूरा इस दाल से ढक दिया। हम इसको राउंड राउंड घुमाएंगे तो जो एक्स्ट्रा दाल कहीं इधर उधर होगी वो हमारी निकल जाएगी। अब इस बॉटल को हम सूखने के लिए रख देते हैं और अब हम अपनी जो घी हमने तैयार की थी जिसमें हमने चावल लगाए थे वो अब सूख कर रेडी हो गई। अब हम इसको अपनी पसंद के अनुसार हम इसके ऊपर कलर करेंगे। आपको जिस कलर के फ्लावर्स बनाने हैं आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं जो इसमें दो कलर यूज़ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक पिंक और एक वाइट। मैं दोनों को थोड़ा सा वाइट की शेड दूंगी, मोस्टली मैं पिंक कलर को ज़्यादा यूज़ करूँगी। हल्के हाथ का यूज़ करते हुए धीरे धीरे हम इन राइस के ऊपर कलर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप चाहे तो इसे पर्पल, येलो, जो चाहे आप वो शेड दे सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, मैंने जब ये कलर किया तो ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गई। तो इस तरीके से हम बहुत सारी लीव्स एक साथ बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ये फ्लावर्स के इस तरीके से बना दिए। अब हमें इनके ऊपर पत्तियां लगानी हैं। पत्ती लगाने के लिए हम एक ग्रीन कलर का पेपर लेंगे और उस पेपर को, क्योंकि मुझे लंबी ही पत्ती देनी है तो इस तरीके से मैंने उसको फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड किया। आप चाहे जितना चौड़ा लगाना चाहते हैं पत्ती उतना चौड़ा उसको फोल्ड कर सकते हैं। अब कैंची की सहायता से अब हम उसे कट करेंगे। अब हम अपनी इस पेपर को इस तरीके से, आप देख रहे हो मैंने ये यहाँ से ऐसे काटा और अब क्योंकि पत्ती आगे से भीड़ी होती है तो मैंने इसको पत्ती की लीव की शेप इस तरीके से दे दी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चार ऐसे लंबी लीव्स की तरह तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अब हमें फेविकोल लगाना है। अब हम इस पत्ती के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से फेविकोल लगाएंगे और इस लीफ को लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ताकि जब ये लीफ सूखेगा तो ये अपने आप ही इस तरीके से बैंड हो जाएगी और हम इसको यहाँ पर थोड़ी सी देर सूखने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह से हम ये लीव तीनों पत्तियों पर, तीनों हमारी फ्लावर्स की जो डंडियाँ हैं उन पर लगा देंगे। अब जैसे हमने जब ये लीव्स लगाई तो ये पत्तियाँ हमारी इस तरीके से तैयार हो गई। आप देख रहे हैं ये पत्ती ऑलरेडी यहाँ से अपने आप ही बैंड हो गई है। तो हमारे ये फ्लावर्स की जो हम चाह रहे थे वो बन गए हैं। अब हमें अपने वास को बस थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो वापस हम अपने वास की तरफ जाएंगे और इन पत्तियों को एक साइड रख देंगे। स्टार्ट करें। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कोई भी कलर जिससे आप इसको शेड देना चाहते हैं वो कलर आप थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर लीजिए और एक कॉटन की सहायता से कलर को लेकर इस पूरी दाल के ऊपर इस तरीके से स्पंज कर दीजिए। तो जो येलो कलर है दाल का वो तो दिखेगा ही, साथ में आपने जो ग्रीन कलर किया है जैसा कि मैं कर रही हूँ उसका भी एक बहुत सुंदर इम्प्रेशन आपके इस वास पर निकल कर आएगा। तो जैसा आपने देखा, मैंने इस पूरी बॉटल के ऊपर ग्रीन कलर से एक इम्प्रेशन बना दिया। तो अगर आप देख रहे हैं तो मेरी ये पूरी बॉटल पे येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो गया।
तो हमारा फ्लावर वास तैयार है और हमारे फ्लावर्स भी तैयार हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो मैं इसमें ये थोड़ी सी दाल डाल रही हूँ ताकि वो बेस थोड़ा हिले ना और मजबूत हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर जो बजरी होती है रोड़ी या फिर रेत वो भर सकते हैं ताकि इसका थोड़ा बैलेंस बन जाए। और अब हम अपने बनाए हुए ये सुंदर फ्लावर्स इस फ्लावर वास के अंदर एक एक कर कर डेकोरेट करते हैं। आप जैसा चाहे उस पोजीशन में इन फ्लावर्स को एक साथ लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक, अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा एक टेबल फ्लावर वास तैयार हो गया है बनकर। तो जैसा आपने देखा, हमने घर पर ही बहुत सुंदर फ्लावर्स और वास बचे हुए सामान से बना दिया। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये सारी चारों तरफ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है और अट्रैक्ट भी बहुत कर रहा है। आप चाहें तो इसके फ्लावर्स के कलर्स अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया लेकर आएंगे जो इसी तरीके की वेस्ट चीज़ों से बना हुआ होगा। गुड बाय, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे।